बिजली कटौती इतनी ज्यादा कर दी जाएगी कि लोगों के पास बिजली नहीं होगी तो बिल कहां से भरेंगे। तो लगता है केंद्र सरकार भी मन बना रही है, यदि आम आदमी पार्टी फ्री में दे सकती है तो हम बिजली काट कर जो है लोगों का बिल खत्म कर सकते हैं। बड़ा विचित्र सवाल किया है आपने, समझ नहीं आ रही क्या जवाब दूं। ये कैसी मदद कर रहे हैं जनता की कि बिजली नहीं देनी तो फिर बिल कहां से आना है। सरकार, रियासती सरकार बिजली खरीद नहीं रही है। वजह ये है, कह रहे हैं जी इस वक्त जो खरीदने की दर है वो बहुत महंगी होती है, तो आपको लेके स्टोर करनी चाहिए। पैसा नहीं है खरीदने के लिए, मतलब अब तो यही लग रहा है। पैसा नहीं है तो अभी हाल ही में हर्षदेव जी ने एक आरटीए लगाई थी, उसमें बड़े बड़े नेताओं के नाम शामिल थे, उनके करोड़ों रुपए का बकाया पेंडिंग है। तो सरकार एक तरह से कहती है कि ट्रांसपेरेंसी लानी है, दूसरी तरफ से अपने नेताओं को लगाम नहीं लगा। ये सरकार को भी मालूम है 21-21 लाख डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने देना, बड़े मंत्रियों ने बहुत पैसे देने हैं बिजली के, लेकिन उनका बिल नहीं काटेंगे। काटेंगे उस गरीब के, पीएम जो पीएमएवाई के मकान में रहता है। सत्यपाल मलिक जी ने बोला कि 250-250 करोड़ रुपया, 150-150 करोड़ रुपया पता नहीं फाइलें लेके आए, वो बताए ना कौन है वो आरएसएस का आदमी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब के बाद ये दावा भी किया है कि जम्मू कश्मीर में यदि उनकी सियासत आ जाती है तो लोगों को बिजली मुफ्त मिलने का एक प्रयास जो है वो किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले ही शायद केंद्र सरकार ने उन्हें पटकनी देने की पूरी अपनी तैयारी कर ली है। मेरे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के जुझारू नेता टीएस टोनी साहब। टोनी साहब, मेरे साथ ना कल कैमरा पर्सन मेरे पिंकल मेरा बड़े अच्छे विंग में बात कर रहे थे, वो कह रहे थे शायद बिजली कटौती इतनी ज़्यादा कर दी जाएगी कि लोगों के पास बिजली नहीं होगी तो बिल कहां से भरेंगे। तो लगता है केंद्र सरकार भी मन बना रही है, यदि आम आदमी पार्टी फ्री में दे सकती है तो हम बिजली काट कर जो है लोगों का बिल खत्म कर सकते हैं। बड़ा विचित्र सवाल किया है आपने, समझ नहीं आ रही क्या जवाब दूं कि ये कैसी मदद कर रहे हैं जनता की कि बिजली नहीं देनी तो फिर बिल कहां से आना है। अगर बिजली नहीं देनी तो वो जाहिर बात है बिल तो आना नहीं। चैलेंज आपको ही देना चाहती है सरकार। लेकिन देखें, बात ये है कि ये सरकार हर मुद्दे पे विफल हो चुकी है, बुरी तरह फेल हो चुकी है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी जो है वो अगर ये देखने में लग रहा है कि ये फ्री बीज हैं, एक्चुअल में इट इज़ ए मैनेजमेंट, ये हमारा एक सिस्टम ड्राइव हो चुका है। जैसे मिसाल के तौर पे एक आदमी 1000 यूनिट चोरी कर रहा था, केजरीवाल सरकार ने आके, क्योंकि ये वेलफेयर स्टेट है हमारी हिंदुस्तान, वेलफेयर स्टेट है, और रियायत देनी है लोगों को, सहूलत देनी है लोगों को, और देश भर में जितने भी आपके पावर सेक्टर में हमेशा लॉस में रहता है, ठीक है, आपको कंपनसेट भी करना पड़ता है। जैसे SRTC है तो उन इलाकों में जहां आपको चार ही लोग वहां से निकलते होंगे सवेरे से, लेकिन गाड़ी बेचनी सरकार का काम है, इसी तरह पावर भी पहुंचाना काम है सरकार का, और सरकार को 24 घंटे इसमें फायदा नहीं देखना है। फिर तो आप कॉरपोरेशन हो गई है, तो फिर तो आप समझ लो कि प्राइवेट प्लेयर हो गए। हम ये चाहते हैं कि यहाँ जहाँ पे आप लोगों ने 1000 यूनिट चोरी हो रही थी, केजरीवाल सरकार ने बोला जी आपको 300 फ्री मिलेंगी, वो 300 फ्री लेने के चक्कर में वो एक तो आपके उसने अपना बिल कनेक्शन ले लिया, वो रेगुलराइज हो गया, चोरी 700 रुपये की चोरी खत्म होगी, 300 रुपया उसको फ्री, 300 यूनिट फ्री है, वो 300 में गुजारा करेगा, 700 तो आपको बची। इस तरह उन्होंने जो लॉस था बीजेपी बिजली का, और उस जिसको बीजेपी फ्री बीज कहती है, उस लॉस को बिल्कुल कम कर दिया, जो पहले 70% था या 50% से ज़्यादा था, उस लॉस को मिनिमाइज करके और थोड़ा सा खुद से डाल के लोगों को एक रियायत दी है। वो चोरी का जो सिस्टम था उसको बंद किया। आपको बिजली में भी बीजेपी याद आ रही है, विपक्ष की भूमिका अब आम आदमी पार्टी सह रही है। तो अब बिजली तो बाद में फ्री मिलेगी, लेकिन बतौर अपोजिशन अभी जो कटौती इतनी हो रही है, आपको लोगों का दर्द महसूस हो रहा होगा, आम आदमी पार्टी ने क्या किया अभी इसके लिए? नहीं, आम आदमी पार्टी सरकार में आएगी तो कर देगी, यहाँ पे भी अभी तो प्रोटेस्ट एज अपोजिशन, अभी तो हमने इसका मुद्दा उभारा है, उभार रहे हैं हर जगह पे, हर पैटर्न पे, हर प्लेटफॉर्म पे, और अब हम आने वाले दिनों में, अगर जैसे हमने आज भी, मैं एक्सिन PDD के पास गया था तो मैं पूरे इलाके का पूछ रहा था, तो वो कह रहे थे कि भाई पीछे बिजली पीछे से कम आ रही है, इसका मतलब सरकार, रियासती सरकार बिजली खरीद नहीं रही है। वजह ये है, कह रहे हैं जी इस वक्त जो खरीदने की दर है वो बहुत महंगी होती है, तो आपको लेके स्टोर करनी चाहिए थी, आपको स्टोरेज पावर स्टोरेज बनानी चाहिए। पैसा नहीं खरीदने के लिए, मतलब अब तो यही लग रहा है।
क्योंकि ये बेसिकली बिजली महकमे को बेचने की तैयारियां हो रही है, क्योंकि पैसा नहीं है। तो अभी हाल ही में हर्षदेव जी ने काठिया लगाई थी, उसमें बड़े बड़े नेताओं के नाम शामिल थे, उनके करोड़ों रुपए का बकाया पेंडिंग है। तो सरकार एक तरह से कहती है कि ट्रांसपेरेंसी लानी है, दूसरी तरफ से अपने नेताओं को लगाम नहीं लगा। वो सरकार को भी मालूम है 21-21 लाख डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने देना, बड़े मंत्रियों ने बहुत पैसे देने हैं बिजली के, लेकिन उनका बिल नहीं काटेंगे। काटेंगे उस गरीब के पीएम जो पीएमएवाई के मकान में रहता है, उसका बिल का उसका काटने के लिए पूरी बिजली का अमला फैला, पूरा जाता पूरे अफसर जाते हैं, जैसे पता बहुत बड़ा चोर पकड़ लिया। मतलब थिएटर के बाहर जो टिकट ब्लैक कर रहा है उसको पकड़ लेना है, और जो सबसे बड़ी कालाबाजारी कर रहा है देश में उसको नहीं पकड़ना। ये वो सरकार है, ये छोटे लोगों को पकड़ रही है। आज मुझे बताएं, कभी कहीं पटवारी पकड़ लिया, कभी कहीं बताएं ना कहीं किसी, भाई आपने फलाना जो है उसको जो है तहसीलदार को अंदर कर दिया, आपने किसी ब्यूरोक्रेट को कमीशन सेक्रेटरी को पैसे खाते हुए अंदर कर दिया, आपने निकाला के जी सत्यपाल मलिक जी ने बोला कि 250-250 करोड़ रुपया 150-150 करोड़ रुपया पता नहीं फाइलें लेके आए, वो बताएं ना कौन है वो आरएसएस का आदमी, बताएं कौन है वो ब्यूरोक्रेट, बताते क्यों नहीं है, उसमें पर्दा क्यों डालते हैं, उसमें गोदी मीडिया भी चुप है। आज लोगों को जागना पड़ेगा भाई, इस अंधभक्ति से जागना पड़ेगा। और ये मोदी जी हैं तो मुमकिन नहीं है, ये एजुकेशन है तो मुमकिन है। अंत में आम आदमी पार्टी आएगी तो बिजली यहाँ पे मुफ्त मिलेगी? अरे क्यों नहीं मिलेगी, हमारी रियासत बिजली पैदा करे और हम ही को बिजली ना मिले, ये कौन सी बात है। ये बाकी जो है बीजेपी सिर्फ जुमलेबाज पार्टी है। प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, हमें इतनी अपेक्षाएं थी कि प्रधानमंत्री आएंगे रियासत का दर्जा बहाल होगा। हरि सिंह जी के नाम की जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा एक इतना महान महाराजा यहाँ से हमसे बिछड़ा था आज के दिन। और हमें ये थी कि उनकी डेथ एनिवर्सरी से पहले पहले उनकी बर्थ एनिवर्सरी की छुट्टी अनाउंस होगी, प्रधानमंत्री करेंगे। हमें यहाँ 62,000 जो डेली वेजर्स हैं उनको पक्का करेंगे, जो हमारे CISF BSF के या जो CRPF के जो जिन लोगों की भर्ती का मसला है उसको पूर्ति करेंगे। और जो रूरल डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, जो PMAY के 5 साल से पैसे नहीं आए वो पैसे दिए जाएंगे, नरेगा के जो पैसे आज तक सरकार ने नहीं दिए वो दिए जाएंगे। हमें तो बहुत सारे मुद्दे थे, हमारा बजटरी सपोर्ट जो जिन्होंने 71 लाख रुपए रखा है, इसको बोला था CDF के पैटर्न पे 2 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा जैसे बाकी रियासतों में, वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं किया। और तो और मुझे लगता है कि जो शहीद हुए हमारे पिछले दिनों मिलिटेंसी की गोली में पंच सरपंच मारे गए, उनके लिए दो श्रद्धांजलि के लफ्ज़ निकलते चाहे गवर्नर साहब या प्रधानमंत्री के मुँह से, वो नहीं निकाले हमारे, और मना रहे थे हम पंचायत दिवस और पंचायत किसी को याद ही नहीं रही। यहाँ तो सिर्फ आप कहते हैं कि हमने सिर्फ वो वाली पंचायत जहाँ उसकी बात करने आए हैं, बाकी पंचायतों की बात ही नहीं हुई, उनके मुद्दों की बात ही नहीं हुई, हमारे लोगों को इकट्ठा किया गया वहाँ पे। और ये सरकारी रैली थी, इसमें 42,000 सिर्फ मुलाजम था। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ कि चीफ सेक्रेटरी मॉनिटर कर रहा है कि सारी ऑफिसर सब जाके वहाँ पर बैठे, और ये 25 विधायक जितने थे ये 1-1 हजार आदमी भी इकट्ठा करते तो 25,000 इकट्ठा होता था, वो नहीं इकट्ठा कर सके। मैं कहता हूं अगर ये अपने पन्ना प्रमुख और ये जो कहते हैं हमारे इतने यूथ और इतने बूथ, तो ये वही ले जाते तो वो रैली का पंडाल भर जाता, लेकिन उसके लिए भी गाड़ियां, शर्म की बात ये है, हिमाचल से लाई गई, पंजाब से लाई गई, हरियाणा से लाई गई। तो क्या लोगों में मैसेज गया कि जनादेश जो है बीजेपी से खिसक कर आम आदमी पार्टी की तरफ जा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। और 24 अप्रैल को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे पल्ली गांव में, उस समय वो इस बात का गुणगान कर रहे थे कि पल्ली गांव में जो सोलर प्लांट लगा है उससे पल्ली गांव की सभी बिजली जो है उन्हें सोलर प्लांट के जरिए मिल पाएगी, जिससे लोगों के जो बिजली के किराए हैं वो कम होंगे। लेकिन शायद वो नहीं जानते थे कि उनके उसी भाषण पर जो लोग तालियां बजा रहे हैं वो जम्मू शहर के अलग अलग कोनों से आए थे और उनके घरों में उसी वक्त बिजली कटौती हुई पड़ी थी। बात साफ है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया उससे ना केवल भाजपा बल्कि केंद्र सरकार भी जनजनाहट में जरूर आई कि शायद आम आदमी पार्टी जो है वो फ्री बिजली देने का दावा कर कहीं जम्मू कश्मीर में भी अपना डंका ना बजा ले। शायद इसको गलतफहमी लेते हुए उन्होंने ये सोचा कि बिजली का किराया जो है वो उसे कटौती कर दो, चाहे बिजली कम कटौती कर किराया कटौती कर लीजिए, लेकिन आपको समझने में गलती हुई है। बिजली देने के बाद किराया कटौती करनी है, बिजली काटने के बाद बिजली का किराया कटौती नहीं करनी है। इसे समझना होगा यदि राजनीतिक स्तर पर एक चैलेंज के तौर पर आम आदमी पार्टी के साथ लड़ना है। तो फिलहाल आप जुड़ रही है।